भाइयों बहनों, कांग्रेस आज संकल्प पत्र में हम जिएंगे तब तक 370 नहीं हटाएंगे की बातें करती है। अरे कांग्रेस में अकल होती और 1947 में ऐसी हिम्मत के साथ खड़ी होती कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे तो ये पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता। ये पाकिस्तान कह रहा है वही बादशाह कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये बड़े जोरों से कह रहे हैं कि देश में से हम देशद्रोह का कानून हटाएंगे। मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं कि दर्पण में जाकर के अपना मुंह देखो, आपके मुंह में मानव अधिकार की बातें शोभता शोभा नहीं देती है। आप कांग्रेस वाले, आपको हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को जवाब देना पड़ेगा, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को न्याय देना पड़ेगा। आप कांग्रेस वालों ने बाला साहब ठाकरे का नागरिकत्व तो छीन लिया था, मतदान करने का अधिकार छीन लिया था, और आप साथियों, कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों की वजह से ही देश में इतने दशकों तक सुरक्षा की ऐसी स्थिति बनी रही। अब तो कांग्रेस, एनसीपी जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री चाहने वालों के साथ खड़ी हो गई है। अरे शरद राव, आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो? अरे कांग्रेस से तो देश को कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन शरद राव आप क्या, शरद राव आपको शोभा देता है क्या? अरे राजनीति अपनी जगह पे है, शरद राव वहां शोभा नहीं देते हैं। साथियों, अलग प्रधानमंत्री की बात करने वाले, जम्मू कश्मीर के अलग हो जाने की बात करने वाले, ये वो लोग हैं जिन पर देश ने भरोसा किया था। जम्मू कश्मीर पर दशकों तक राज करने वालों ने किसके लिए काम किया, ये अब देश को समझ आ रहा है। इनके दिल में जो इच्छा दबी है, दशकों से ये जो चाहते हैं, वो अब खुल करके सामने आ रहा है।